बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही हमारा माइंड हमें किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट या किसी कीमती वस्तु की तरफ इशारा करती है, और होना भी चाहिए क्योंकि बुलेट ट्रेन चीज ही ऐसी है। बुलेट ट्रेन अपनी फास्ट स्पीड, ग्लैमरस लुक और भी बहुत चीजों के लिए जानी जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से उनमें से एक खूबी जो है उसके चलने के पीछे का विज्ञान, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि बुलेट ट्रेन कैसे चलती है। बुलेट ट्रेन को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि मैग्लेव ट्रेन, शिंकानसेन और भी बहुत, जिसमें सबसे पॉपुलर मैग्लेव ट्रेन है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। मैग्लेव शब्द का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन। यह एक प्रकार का ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन है जो दो प्रकार के मैग्नेट का यूज करता है। मैग्नेट का पहला सेट ट्रेन को ऊपर की ओर धकेलता है या रिपेल करता है, जबकि ट्रेन का दूसरा सेट ट्रेन को आगे की तरफ मूव कराता है। बुलेट ट्रेन में आम ट्रेन की तरह कोई फ्रिक्शन ना होने की वजह से यह बहुत ही फास्ट स्पीड में चलता है। अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें कि बुलेट ट्रेन आखिर में इतना हाई स्पीड गेन कैसे करती है, तो इसके पीछे का साइंस यह है कि बुलेट ट्रेन या मैग्लेव ट्रेन मैग्नेटिक रिपल्सन के सिद्धांत पर काम करती है। जब बुलेट ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा या 93 माइल्स पर हावर के स्पीड को छूती है, तो मैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बुलेट ट्रेन को 100 मिलीमीटर या 4 इंच ऊपर ग्राउंड से ऊपर उठा देता है, जिसके कारण ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन ना होने की वजह से बुलेट ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड गेन कर लेता है। और फ्रेंड्स, बुलेट ट्रेन के बारे में आपसे एक आसान सा सवाल, जिसका जवाब आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, वो सवाल है कि क्या बुलेट ट्रेन में इंजन होती हैं? इसका जवाब सोचने के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं और वीडियो के लास्ट में इसका जवाब मैं दूंगा। फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब यह है कि बुलेट ट्रेन में कोई इंजन नहीं होती है, जो कि सभी आम इंजनों में हम देखते आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए।